हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी वे। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी बैंक यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप पूर्णतः फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बहुत ही फनी तरीके से इसको हम लोग याद करेंगे। आप इस वीडियो को केवल दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 11वां वर्ड नाइव, NAIVE, नाइव। इसका मतलब क्या है? सीधा या निष्कपट। ठीक है, निष्कपट का मतलब कोई काम बहुत ही तेजी से, जल्दी से, बिना सोचे समझे हो जाए, उसको निष्कपट बोलते हैं। ठीक है, तो नाई क्या है? बहुत ही, देखिए कैची कैसे चलाता है, तुरंत बहुत ही जल्दी से एकदम निष्कपट काटता है। ठीक है, देखते होंगे आप कितना फास्ट कैची चलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह याद कर लेंगे कि नाई कैची बहुत ही निष्कपट तरीके से चलाता है। और देखिए बेल्लिकोस मतलब झगड़ालू। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? बिल्लिकोस। देखिए इसका स्पेलिंग क्या है? BELLICOSE, बेल्लिकोस। इसमें देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में छुपा है, बिल्लिकोस छुपा है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए कि जब बिल्ली जो है झगड़ालू हो गई, मतलब उग्र हो गई, क्रोधित हो गई, तो किसी व्यक्ति को कोसों दूर तक दौड़ा दी उसको। ठीक है, तो कोस का मतलब ये दूरी का मात्रक है, कोस। तो जब बिल्ली उग्र हो गई, झगड़ालू हो गई, तो कोई व्यक्ति था उसको कोसों दूर तक दौड़ा दी। ठीक है, और देखिए 13वां वर्ड, इसको कैसे याद करेंगे? इंडिजेंट मतलब गरीब। स्पेलिंग क्या है? INDIGENT, इंडिजेंट मतलब गरीब। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है? इंडिया के एजेंट। तो देखिए इसमें देखिए इंडी में इंडिया छुपा है और जेंट में एजेंट छुपा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह याद करेंगे कि इंडिया के जो एजेंट है वो बहुत ही गरीब है। ठीक है, इंडिया के एजेंट बहुत ही गरीब है। ठीक है, एजेंट मतलब व्यापारी या आढ़तिया लोग होते हैं, उनको एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया के एजेंट बहुत ही गरीब है, हम लोग इसको इस तरह याद करेंगे। ठीक है, और 14वां देखिए, डिलीजेंट मतलब मेहनती। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है? तो देखिए इसमें इसका स्पेलिंग क्या है? DILIGENT, डिलीजेंट है। इसमें देखिए क्या छुपा है? दिल्ली छुपा है, DILI, दिल्ली, और एजेंट में एजेंट छुपा है। तो देखिए जो दिल्ली के एजेंट होते हैं ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखेंगे कि वहाँ के लोग अमीर होते हैं। हम लोग इसको इस तरह याद कर लेंगे कि जो दिल्ली के एजेंट होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, इसलिए वो लोग अमीर, बहुत ही बड़े बड़े घराने के होते हैं। ठीक है, और देखिए डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। ठीक है, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। 15वां वर्ड, स्पेलिंग क्या है? DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। देखिए ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है? देखिए इसका उच्चारण करने पर क्या आ रहा है, जैसे डेट्रीमेंटल को पढ़ने पर लग रहा है कि डॉक्टर ही मेंटल। तो ये बताइए, जब डॉक्टर ही, जब मेंटल मतलब हाफ माइंड, जब डॉक्टर ही हाफ माइंड का हो जाएगा, मेंटल रहेगा, तो वो तो सभी पेशेंट के लिए हानिकारक ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह याद कर लेंगे। और देखिए 16वां वर्ड, अबैंडन मतलब छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या छुपा है? अब, अबैंडन में स्पेलिंग क्या है? ABANDON, तो इसमें क्या छुपा है? अब बंधन छुपा है। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग भी अब क्या कीजिए कि सभी बंधन को छोड़ छाड़ के, जितने भी घूमना फिरना है सब छोड़ छाड़ के, आप भी आ जाइए, अब तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो अबैंडन मतलब छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, मतलब इसका कैसे हम लोग याद किए कि सभी बंधन को त्याग छोड़ के अब आके अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह ये 17वां वर्ड क्या है? कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना। ठीक है, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है कॉन्फ्रंट। ठीक है, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, तो इसका कीवर्ड है कॉन्फ्रंट। तो देखिए कोई व्यक्ति है जो कि अपने फ्रंट मतलब जानते हैं क्या होता है? फ्रंट मतलब होता है कि सामने, किसी के सामने। तो कोई व्यक्ति अपने घर के सामने खड़ा है और बोल रहा है कि कौन मुझसे फ्रंट पर सामना कर सकता है। ठीक है, वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि सभी लोग अपने घर के सामने, सभी लोग शेर बनते हैं, इसलिए वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से बोल रहा है कि कौन है जो मुझसे फ्रंट पर सामना कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह याद कर लेंगे, कॉन्फ्रंट में कॉन्फ्रंट छुपा है। ठीक है, स्पेलिंग क्या था? CONFRONT, कॉन्फ्रंट का स्पेलिंग था। ठीक है, अब देखिए 18वां वर्ड नॉनचलैंट। नॉनचलैंट मतलब क्या होता है? लापरवाह या बेपरवाह। ठीक है, लापरवाह या बेपरवाह। तो देखिए इसका कीवर्ड क्या है? देखिए नॉनचलैंट में क्या छुपा है? नो छुपा है और चालान। तो ये बताइए जिस व्यक्ति का नौ चालान कट जाए क्या वो कितना लापरवाह हो सकता है? सोचिए, वो एकदम बेपरवाह होगा, जिसको कोई फिक्र ही नहीं होगा, वो नौ चालान कट जा रहा है। ठीक है, अगर एक ही बार में नौ चालान कट जाए तो सोचिए वो कितना लापरवाह है। देखिए इसका स्पेलिंग क्या है?
LANT नॉनचलेंट, नॉनचलेंट NONCHALANT नॉनचलेंट मतलब लापरवाह या बेपरवाह, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, साल्टन, साल्टन मतलब झूठा, कपटी या ढोंगी, ठीक है। तो देखिए ये साल्टन जो है ना, इसका देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इसमें आर साइलेंट है और सी एच को सौ पड़ा जाएगा, साल्टन झूठा कपटी या ढोंगी, ठीक है। तो ये बताइए इसमें क्या छुपा है, इसका प्रोनाउन, इसका देखिए इसमें क्या छुपा है, स्पेलिंग में चार लात छुपा है। तो ये बताइए जो व्यक्ति कपटी होगा, जो धोखेबाजी करेगा, बार बार धोखेबाज करेगा, उसको आप क्या करेंगे, चार लात मार के भगा देंगे कि एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, बार बार करेगा कपटी, जो ढोंगी होगा ही उसका नेचर ही हो, वैसा होगा, तो उसको आप चार लात मार के भगा दीजिए कि अब उसको उसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। अब देखिए बीसवां, तो ये क्या है, कमली, कमली मतलब क्या होता है, सुंदर मनोहर, सुंदर या मनोहर होता है, ठीक है। तो देखिए कमली, स्पेलिंग क्या है, COMELY, कमली मतलब सुंदर या मनोहर, ठीक है। तो इसका कीवर्ड क्या है, चमेली। देखिए कमली, कमली में ऐसा लग रहा है, अगर सी के बाद यच होता तो ये लगता कि चमेली लिखा है। तो देखिए तो ये क्या, इसका इसका कैसे होगा कि जो चमेली होता है वो सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है, कितना मनोहर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पर याद कर लेंगे, तो ठीक है एक बार चलिए रिविज़न कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए 11वां वर्ड क्या है, नाइव, नाइव का अर्थ क्या होता है, सीधा या निष्कपट, ठीक है। नाइव बाल को एकदम सीधा निष्कपट तरीके से काटता है, ठीक है। बेलिकोस का अर्थ क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। बिल्ली जब उग्र हो गई, झगड़ालू हो गई, तो किसी व्यक्ति को कोसों दूर तक दौड़ा दी, ठीक है। इंडिजेंट मतलब क्या होता है, गरीब, ठीक है। तो इंडिया के एजेंट जो है बहुत ही गरीब है, ठीक है। 14वां क्या है, डिलीजेंट मतलब मेहनती, जो दिल्ली के एजेंट है वो बहुत ही मेहनती है इसलिए अमीर होते हैं, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, हानिकारक, ठीक है। जब डॉक्टर ही मेंटल होगा तो क्या होगा, वो पेशेंट के लिए हमेशा हानिकारक ही होगा, ठीक है। अबैंडन मतलब छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है। कीवर्ड क्या है, अब बंधन, अब आप लोग बंधन छोड़ के अच्छे से एसएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब देखिए कन्फ्रंट मतलब सामना करना, ठीक है। तो इसका क्या है, कौन फ्रंट, कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, कौन है जो मेरे घर के फ्रंट पे मुझसे सामना कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पर याद कर लेंगे। और क्या है 18वां, नॉनचैलेंट मतलब लापरवाह या बेपरवाह, ठीक है। तो इसका इसका कीवर्ड क्या है, नौ चलान, जिस व्यक्ति का नौ चलान कट जाए वो कितना लापरवाह होगा, है कि नहीं, ठीक है। और देखिए क्या है, साल्टन, साल्टन मतलब झूठा कपटी या ढोंगी, ठीक है। तो जो व्यक्ति झूठा कपटी ढोंगी होगा उसको चार लात, देखिए इसमें जो चार लात मार के भगा दीजिए, जो झूठा कपटी या ढोंगी होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कमली, कमली मतलब सुंदर या मनोहर, जो चमेली का फूल होता है वो कितना सुंदर और मनोहर होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और जो इससे पहले जो है 1 से 10 तक का जो है हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसमें आप क्लिक करके 1 से 10 तक देख लीजिए। दोस्तों हम डेली ऐसा वीडियो डेली अपलोड करते हैं, करेंगे अब हमेशा के लिए डेली अपलोड करेंगे। अभी नया चैनल अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है। चलिए थैंक यू।